सोमवार से यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत बाकी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र को बिना हंगामे और शोर शराबे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। हम भी यही चाहते हैं कि सदन का समय को बर्बाद न करे, आरोप प्रत्यारोप का समय बर्बाद हो। सीएम योगी की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से सदन के नियमों के मुताबिक अपनी बात रखने की अपील की। मुख्यमंत्री जी के समक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष तो सारे दलीय नेताओं ने इस बात के लिए उनको इश्योर किया है कि नहीं, हम सदन को सुचारू रूप से चलाने में आपका सहयोग करेंगे। बैठक के दौरान कांग्रेस ने सत्र को पूरी अवधि तक चलाने की मांग की है ताकि बजट के साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके। हमने ये सुझाव रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सभी हमारे जो विपक्ष के दलों के नेता थे सबने इस बात को रखा कि सदन चलना चाहिए, और क्योंकि ये बजट सेशन है जो हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से विधानमंडल सत्र चलाने को लेकर विपक्ष ने हामी तो भर दी है, लेकिन ऐसा संभव होगा या नहीं ये सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई, लेकिन सपा की इस बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने नहीं बल्कि उनके चाचा शिवपाल यादव ने की। बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए सपा मुख्यालय पर पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने की, क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली में होने की वजह से लखनऊ नहीं पहुंच पाए। सत्र, बजट सत्र आहूत है, उस पर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, किन मुद्दों को रखने का काम करेगी, इन पर आज चर्चा। सभी दलों ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने का भरोसा दिया हो, लेकिन सपा की बैठक के बाद रविदास मेहरोत्रा ने जो कहा उससे बजट सत्र के पहले दिन ही सपा और सरकार के बीच टकराव तय माना जा रहा है। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वही धरना देने का काम करेंगे, और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। हालांकि विधानमंडल दल की बैठक के बाद सपा ने सरकार से बजट सत्र को लंबा चलाने और चर्चा की भी मांग की है, लेकिन पहले ही राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध की बात करके सपा ने सत्र के पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस पर विवाद छिड़ने के बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर जातियों और वर्गों के पोस्टर से पट गया था, लेकिन अब सपा दफ्तर की दीवारों से अचानक से सभी पोस्टर गायब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक और चौपाई को जब महिला और दलित विरोधी बताया तो सपा दफ्तर की दीवारें एक के बाद एक जाति और वर्गों का समर्थन करने वाली होर्डिंग्स और पोस्टर से पट गयी, लेकिन अब वो तमाम होर्डिंग्स पोस्टर समाजवादी दफ्तर और उसके आसपास से अचानक हटा दिए गए हैं। रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयों से संबंधित पोस्टर लगे थे, मांग हो रही थी शूद्र कहने और लिखने की, वो सारे पोस्टर आज यहां से हटा दिए गए हैं। माना जा रहा है रामचरितमानस विवाद के बाद सपा में ही उठ रहे विरोध के स्वर, सपा पर हिंदू विरोधी होने के आरोपों को देखते हुए पार्टी दफ्तर से अचानक इन पोस्टर्स को हटवा कर अब सपा मानस विवाद से यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगने लगा था, ऐसे में ये पोस्टर एक मैसेज दे रहे थे, इन पोस्टरों को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही ये पोस्टर हटाए गए हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं को धार्मिक बयानबाजी न करने की नसीहत दे चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।